लखनऊ किसान यूनियन के अध्यक्ष महिला संगठन बसपा सरकार का थामा दामन सलाउद्दीन सिद्दीकी का प्यार देखते हुए बसपा सरकार का किसान यूनियन के अध्यक्ष महिला ने थाना दामन। उनका कहना है कि हमारे सलाउद्दीन सिद्दीकी से पुरानी ताल्लुका थे, इसीलिए हम इनके साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। बसपा सरकार को साथ देने के लिए किसान यूनियन के लोग उतरे मैदान में। किसान यूनियन की महिला संगठन के लोगों का कहना है कि सलाउद्दीन सिद्दीकी हम लोगों से मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए मध्यम वर्ग के लोग जितने भी हैं हम उनके साथ हैं। मध्यम वर्ग की जनता सलाउद्दीन सिद्दीकी क्या कर रही है समर्थन? क्या बसपा सरकार फिर से बच्चा या अपना झंडा लहराएगी? सलाउद्दीन सिद्दीकी फिर से सत्ता में आ रहे हैं। जनता का कहना है कि वे अपना सत्ता संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं। विजय मिश्रा के साथ नंदनी शुक्ला की रिपोर्ट। मदद के बाद भी तीसरे नंबर पे थी लड़ाई में, तो न सपा है, सपा तो है ही नहीं। जब उससे मुस्लिम वोट माइनस हो गया आज की डेट में, और 20% यादव भी गोमत यादव को पसंद नहीं करता, तो ये बताओ किस वोट से जीत रहे हैं? हमें वोट का आधार आप लोग बता दें। आप लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप भाजपा का, सपा का, बीकेटी का आधार बता दें। भाजपा से बैकवर्ड छिटक गया, रावत समाज पूरी तरीके से बसपा में आ गया, मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से बसपा में आ गया। तो अब ये बता दीजिए, आप लोग तय कर दीजिए कि समाजवादी के पार्टी के पास कौन सा वोट है। और एक मिनट, बात पूरी हो जाए, और भाजपा के पास बैकवर्ड हटने के बाद, रावत हटने के बाद कौन सा वोट बचा है? तो मैं लड़ाई में ना वो है ना ये है, ये दो तीन नंबर की लड़ाई का फैसला करेंगे। एक नंबर पे बहुजन समाज पार्टी है और यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। वो बात मेरी एक बात आधी रह गई थी कि सपा के लोगों से ये जरूर पूछिएगा कि 2017 में सलाउद्दीन सिद्दीकी प्रत्याशी नहीं थे, नकुल दुबे प्रत्याशी थे, ठीक है? और उस वक्त आप कांग्रेस और सपा के गठबंधन से चुनाव लड़े, आप तीसरे नंबर पे थे। अब ये बताओ 2022 में तुम कहां से, कौन सा वोट तुम्हारा बढ़ गया, जरा कोई वोट बता दो। और बहुजन समाज पार्टी में सीधा सीधा आंकड़ा आप लोगों को बता देता हूं, 32 साल हो गए मैं बीएसपी में, यहां ब्लॉक प्रमुख रहा हूं, 20 साल से प्रधानी है, बीडीसी है। और एक आंकड़ा ये बता रहा हूं कि सपा से मुस्लिम समाज कट के बीएसपी में आ रहा, तो एक वोट ये बढ़ रहा है बीएसपी में। दूसरा वोट बैकवर्ड का बढ़ रहा है, तीसरा वोट रावत समाज का बढ़ रहा है। अब ये बताओ कि जब ये रावत समाज, पाल, लोधी और मुस्लिम समाज बीएसपी को खुला वोट कर रहा है, किसी से राय ले लें, मशवरा ले लें, इंटरव्यू ले लें, तो आप ये बता दो कि भाजपा के पास और सपा के पास कौन सा वोट बचा है, उनकी कितनी तादाद होगी? वो चुनाव हारेंगे नहीं, लंबी मार्जिन से चुनाव हारेंगे, और मेरी बहन के आने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से पराजित होंगे। मेरे पहले के भैया के बड़े भाई हमारे हैं मुस्लिम भैया, हमारी जो पार्टी है अराजनैतिक है, उनकी से कोई मतलब नहीं राजनीतिक, लेकिन हमारे बड़े भाई मुस्लिम भाई हैं जो उनके पुराने संबंध हैं, उनको छोटी बहन मानते हैं, उनके बड़े भाई मानते हैं। तो क्या आज आप इनको समर्थन दे रही हैं? क्या पार्टी के अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व से आपने बात किया इसी समय? जी, बातचीत हो चुकी है, उसके बाद आप समझ समस्या जो छोटी छोटी होती है तो हम लोग देखते हैं। भैया हमारे साथ फहीम भाई ने इनके नगर फहीम भाई यहाँ हमारे पहले दे चुके हैं, सामाजिक कार्यों में इनका उल्लेखनीय योगदान है यहाँ के, हमने भी जीत हासिल किया। आखिर सभी कई प्रत्याशी हैं, उनको आपने क्यों नहीं चुना? अच्छे हैं तो इसलिए गरीबों के साथ है, किसानों के कुछ दुख में साथी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज आपको इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है किसानों का। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन छोटी बहन किसान यूनियन की गैर जी की विंग से महिला जिला अध्यक्ष हैं, हमारे दादा इधर अभी हैं, सब लोग ने हमें आज बहुजन समाज पार्टी को, विधानसभा 169 बीकेटी को अपना समर्थन दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रही थी और यहाँ से चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं।